साहित्य के बारे में मित्रों आपको मैं बताना चाहता हूँ। भर्तृहरि ने कहा था कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषाण ही न तृणम न खादन्नपि जीव मान तदभाग देयम परमं पशु न। संस्कृत श्लोकों से लोग घबरा जाते हैं। जी आप घबरा रहे हैं, देख रहा हूँ आप घबरा, लेकिन इसका बड़ा खूबसूरत मानी है कि साहित्य संगीत और कला ये दो तीन चीजें ऐसी हैं, इसके बगैर अगर इंसान है तो जानवर की तरह, जानवर की तरह नहीं माफ कीजिएगा वो जानवर ही है, साक्षात पशु कहा है। हाँ पूछ विचारण ही ना, पूछ पूछ और सींग के बगैर है वो जानवर, ऐसा जानवर है। और वो त्रिणम न खाते न जीव माना, वो घास न खाते हुए जी रहा, परमम पशु ना तदभाग देयम परमम पशु। इसका ये हुआ कि वो घास खाए बगैर जी रहा है तो बाकी पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि अगर ये घास खाते होते फिर वो जानवर क्या खाते। मेरा ख्याल है इकबाल ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। फूल की पत्ती कितना मासूम होता है, फूल की पत्ती आप जानते हैं कितना होता है कि फूल से कट सकता है हीरे का जिगर, हीरा जानते बहुत बहुत उसको काटना मुश्किल होता है, लोहा भी नहीं काटता, तो हीरे का जिगर को भी फूल की पत्ती से काटा जा सकता है। लेकिन मर्द नादा पर कलामे नरम नाजुक बेअसर, मर्द नादा नादान मर्द बेवकूफ आदमी हृदयहीन व्यक्ति जो सहृदय नहीं है, ऐसे आदमी के ऊपर कितना भी नरम नाजुक कलाम पढ़ दिया जाए बेअसर। यानी साहित्य का रस एक ऐसा रस है जिसे समझने के बाद, इसे महसूस करने के बाद आदमी वो आदमी नहीं रहता, बदल जाता है। राजशेखर एक संस्कृत के कवि हुए, उन्होंने कहा था, एक उदाहरण दिया था, साहित्य का रस और दर्शन का रस। कहा रस, रस तो दर्शन में भी है, साहित्य में तो है दर्शन में भी रस होता है। कहा वो कैसा होता है, तुमने उदाहरण दिया था कि जब गाय दूहता है ग्वाला, आपने देखा होगा गाँव में जब गाय दूहता है ग्वाला तो पहले उसको टांग बांधता है, फिर बाल्टी ले जाता है, फिर गाय उछल जाती है, फिर दोबारा टांग बांधता है पीछे से, फिर गाय उछल जाती है, फिर टांग बांधता है, दो चार गठ फिर रसीद करता है, फिर बांधता है उसे, फिर दूहता है, बड़ी मुश्किल से वो आधी बाल्टी दूह पाता है। कहा एक रस वो है, और कहा दूसरा रस ये है कि गाय के सामने बछड़े को ले जाने से ही, ले जाते ही गाय के थन से दूध तर 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 निकलना शुरू हो जाता है अपने आप। का एक रस ये भी है। तो मित्रों साहित्य का रस तो ये जो प्रवाहित होना शुरू हो जाए कविता पढ़ते ही, कहानी को देखते ही। तो इस गोष्ठी में मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज की काव्य गोष्ठी में आपकी काव्य संध्या में मेरे एक मित्र ने सुझाव दिया, इसे काव्य संध्या आप हैं, मैं सहमत हूँ आपके सुझाव से बिल्कुल। शब्दों में क्या रखा है, भावों को पकड़ना ज़्यादा जरूरी है।